ये मेरे को जानना है, मेरे को कोई बता सकता है कि ये, मेरे को मामा ने ये वीडियो दिखाई है, ठीक है, मेरे को ये बस जानना है कितने साल पुराना वीडियो है ये। अभी तक इंट्रो सेम ही है मामा का, 4 साल हो गए। तो ठीक हमारा गुड मॉर्निंग अभी हो चुका है, साढ़े है, दस बजे हो चुका था। सुबह 6:30 बजे हम सोए थे, 10:30 बजे हमारी आँख खुल गई। ठीक है, हमारा तो गुड मॉर्निंग हो गया, इनका अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। ये रॉकी बोलते, आराम फरमाते। 4 घंटे की नींद मेरी बस इसलिए रह गई क्योंकि मैंने आज सोचा था कि मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा 6:30 बजे। ई ये ई मामा की लाइन टेढ़ी है, मामा की लाइन टेढ़ी है दाढ़ी की। ओ, किसी ने नोटिस किया? ओ शिट, टेढ़ी हो गई, स्कोप ये हो गया। ओली शिट, अभी यहां पे सिर्फ टेढ़ी है या हमेशा टेढ़ी होती है? ओ, यहां हमेशा टेढ़ी होती है या यहां पे टेढ़ी है यार, सिर्फ, वो मतलब आई हार्ट बन मीन जाता था सोते सोते। ओ फक भाई। देखो, अब कुछ लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो टेढ़ा है। कैसे टेढ़ा है, तुम क्या बोल रहे हो इसको? ये देख, साइंटिफिकली देखते हैं हम लोग। अभी अगर ये दांत है, ये इसका फेस है, तो दांत की लाइन ऐसे है, तो ये होगी ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए ना। और यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये देखो। और एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अभी ये हो सकता है कि एंगल के वजह से हो रहा है, ये हो सकता है एंगल के वजह से, क्योंकि यहां से देखो, यहां से कट है, यहां से कट है, यहां से कट है बहुत क्लियरली। अब यहां से कट है, ये वाला कट इतना शार्प क्यों नहीं है, मतलब राउंड क्यों है? मजा मजा आ रहा है बे करके। एक सेकंड, अब यहां पे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो, ठीक से देखना, टेढ़ी है, टेढ़ी है भाई। या वो लगने के वजह से हुआ है पता नहीं, बट टेढ़ी तो है। लेकिन मैंने सोचा कि आज सो के 12-1 बजे उठ जाएंगे और फिर पूरा दिन फिर स्ट्रीम करेंगे 2 बार, लेकिन 10:30 बजे ही खुल गई क्योंकि एक करवट ली मैंने और मेरे यहाँ पे इतना तेज़ दर्द यार हुआ देखो, ये कि मैं मैंने उस दर्द की वजह से उठ गया। अब दर्द मैंने क्यों हुआ ये वीडियो नहीं देखी, ये बट मैं अब आपको आप बता देखिए, और हंसना नहीं है। ओके, हंसना नहीं है, दूं। हंसना इज नॉट हंसने राइट। आएगा बाबा, सॉरी, देखिए अब आप। थोड़ा सा हंसने को आएगा, थोड़ा सा। मेरे को एक चीज एक्सप्लेन करो, ये मैंने देखा है, मेरे को ये अभी तक ये नहीं समझ में आया कि मांबा ने क्या किया है और क्यों किया है। सुनो, बट ये रन साउंड इफेक्ट वाला नहीं देखा था मैंने। सुनो म्यूजिक सुनो तो सुनो फायर सुनो, किया जा रहा। मेरा ये सवाल है कि ये बाबा ने ऐसा क्यों किया मेरे को? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? आगे ये नहीं देखा मैंने। अभी को पार्क किया जा रहा था अंदर, मामा को खोलना था गेट, यहाँ पे खड़ी थी स्कूटर। ओ, बाबा को लगा कि वो तो स्कूटर अब पे ये जा देखिए, रहा आए है। नींद में पूरा बाल बनाते हुए मामा ओ, सबसे पहले गेट खोलने तो और फिर मैं मामा ने पार्क। सोचा कि वो स्कूटर पे ना खराब लगा लगे। भाई, भाई मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था भाई, मुझे लगा दरवाजा जाएगा अच्छा, पीछे। ओ,
तुम्हें बताऊं, ओ टे हंस रहे भाई, छी मैं मुंह लेके पीछे जा रहा था भाई, छी भाई। एक बार हम पॉज करके तेरी थुड्डी ऐसे कर, ऐसे आ सुनो, बोला बोला कुछ रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि भाई हिलता स्लो हिलती मोशन तो नहीं हो रहा हिलती तो ठुड्डी है। गेट भी समझ गया कि चक्कर आ रहा है। मामा का मैंने एक भी पुराना ब्लॉग नहीं देखा, देख सकते हैं ये मुंह है देख सकते हैं हम लोग पुराना ना, एक ब्लॉग देख सकते हैं तो मामा का। साले यही तो, इस वजह से तो ठुड्डी पे लगी है सीधे, ठुड्डी सु मैं और तू कर क्या रहे हैं एक दूसरे को, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो चला हो रहा है दरवाजा पीछे जाएगा देखा पीछे स्कूटी और पीछे इन्हीं की स्कूटी थी, मुझे लगा कहीं बैक लाइट ना फूट जाए दरवाजे से, मैं भागा बिल्कुल मैच कर लिया स्पीड दरवाजे से, पर वो बीच रास्ते में ही रुक के वापस आ गया मेरी तरफ। दरवाजे का मैकेनिज्म इसको पता नहीं था। डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स भाई, हेलो डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स भाई, सो उसे ज़ूम करके प्ले कर रहा, ठुकने शक्ल पे प्ले कर ज़ूम करके, तो ये बहुत मजे आ रहे हैं भाई। इससे ज्यादा बुरा सीन तो सुबह हुआ है, मैं सो रहा था क्या कहते हैं यहाँ पे अक्षु के साथ, नमन वहाँ, मैं यहाँ और अक्षु यहाँ, एक ही कंबल में मैं और अक्षु। अक्षु जो है ये मैं रहा हूँ ये बूट कैंप पे, मैं रहा हूँ ये बूट कैंप पे। अक्षु ऐसे करके सो रहे थे हैं, तो अक्षु की कोनी निकली हुई थी, तो मैं अक्षु के बराबर में सो रहा था, मैंने देखा क्लियरली टेढ़ी है, एक सेकंड 100% टेढ़ी है, तो अक्षु की कोनी निकली हुई थी, देखो नहीं अब सीधी लग रही है यार, यार समझ नहीं आ रहा है, फ्रंट से देखना पड़ेगा, तो समझ नहीं आ रहा, मैं सो रहा था, मैंने जब करवट बदली तो समझ नहीं आ रहा, सीधे अक्षु के यहाँ कोनी पे भाई, और उससे मैं भाई 3 घंटे की नींद दिया था, पट ये हो सकते वो सूज गया हो, सूज गया हो तो वो टेढ़ी लग रही है, तेरे को याद गेट का याद आ गया होगा ना, लेकिन तेरे को तो दर्द हुआ वे होनी लगी, हसीन दर्द होता है वो जब से ये हुआ है ना तब से आके दबाता है, कहता है ये हसीन दर्द है भाई, मैं दर्द में बैठता हूँ ये इनको हसीन फील भी नहीं हो रहा है, बस मेरे लिए हसीन फील कर रहे हैं ये, इसको पूछो इसको कभी कभी है ये 4 साल से रहेगा दर्द दे रहा है, कब हसीन दर्द हुआ था नहीं पहाड़ चढ़ के आया था, पहाड़ चढ़ के आया था ट्रेकिंग, हाँ। ओ भाई चल नहीं पा रहा था, चल रहा था हंसता था ये इंसान जोक था शायद मेरे को पता नहीं, चलता तो भी हंसता था अपने आप ही अबे नहीं ऐसा बैठा हूँ स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ एकदम से ट्रेकिंग गया बूम ट्रेकिंग गया बहुत बड़ा, अच्छा आके सोया सुबह उठ रहा है हंस रहा है, मतलब इसको क्या हो गया, चल रहा हंस रहा है भाई। अच्छा 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 जो मुंह लेके घुस गया था कि अच्छा हुआ ये गाइस कि जो एक बार हम लोग आइसक्रीम पार्लर गए, यहाँ फरवरी का बात है, तो ऐसा हुआ आइसक्रीम पार्लर से हम लोगों ने आइसक्रीम लिया और फिर हम लोग बाहर निकलने लगे, अंदर घुस रहे थे, घुस रहे थे, अच्छा हाँ हम लोग घुस रहे थे और ये सबसे आगे थे, तो ये जब घुस रहे थे इनको लगा कि वो वॉक थ्रू है वो एरिया, कांच खुला है भाई, ये स्वेलिंग का कुछ लेना देना नहीं, 100% टेढ़ी है, और 1.5x वगैरह मत बोलो मेरे को करने को, तुम्हें घाई है तो कुछ और जाके देखो, मेरे को आराम से देखने दो, मेरे को नहीं समझ में आएगा 1.5x, आराम से मेरे को एंजॉय करने दो यार, ये वाइब मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी ये लोग की, तो मेरे को आराम से बैठ के देखने दो, मैंने इनकी ये वाइब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की ना, मैंने देखी है, फास्ट करो वगैरह मत मेरे को माइंड फक करो, कहीं और जगह देख लो, मैं आराम से बैठ के देखो, जिसको देखना है देख सकते हैं, ठीक है सुनो हैंडल दिखा लेकिन मुझे लगा हैंडल उस तरफ, वो साइड के दरवाजे का खुला है, दरवाजा दिखा है इसको लेकिन वो साइड का लगा खुला है और उस तरफ का हैंडल, अच्छा ठीक है, जैसे ये मैं आ रहा हूँ यहाँ से चल के, ठीक है ऐसे, ठीक है तो ये मैंने हैंडल देखा इधर, लेकिन मुझे लगा ये मामा कभी कभी वो ऐसा बच्चा नहीं लगता, वो जो एकदम छोटा बच्चा जिसको एकदम एक्साइटेड होता है, हाँ अच्छा हाँ देखना कभी कभी एकदम मस्त, मेरे को मजा आता है देख के मामा का वो वाला सुन वाला हैंडल है, जबकि ये था इधर का हैंडल, ओ अच्छा ठीक है, तो मेरे को मालूम था इधर से घुसना है अंदर, हाँ। और मेरे को ये दिख रहा था हैंडल से खुला हुआ है दरवाजा, हाँ। यार हम सीधा घुस गया इसमें भाई, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा भाई किसी को, भाई मैं और रेगा जग रहे थे, ये सो रहे थे बीच में हम दोनों के, भाई एकदम से मुझे कुछ सुनाई दिया, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये हंसने की आवाज है इसकी, मैंने कहा ये कैसे देखा है यहाँ पे हम भी सोया है, 4 या 5 लोग आए थे बूट कैंप पे,
सोए बस दो लोग थे. ये प्योर मतलब आई हैव स्टेड इन नॉट इन हॉस्टेल्स बट आई हैव स्टेड इन ओनली बॉयज का अकोमोडेशन. मेरे को पता है कि कितनी गंदगी होती है, कितना क्या माहौल होता है, द द स्पेसिफिक स्मेल्स, द स्पेसिफिक आई जस्ट नो एवरीथिंग. पांच लोग आए थे, बस दो लोग हम लोग सोए थे यहाँ पे, बाकी लोग घर चले गए थे. हम दो लोग सोए थे यहाँ पे. ये क्या हो रहा है? ये नींद में हंस रहा है. ये नींद में हंस रहा है. हाँ वो डमी बस होती है सेंटर में, सेंटर में नहीं कोना साइड में, शुरुआत में नहीं बीच सेंटर में होती, सॉरी. तो वो एकदम से मतलब मैं चला रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, वो एकदम से भाई नींद में. तुमको नींद वाली एक स्टोरी बाद में बताता हूँ, तुमको नींद वाली इसके बाद में बताता हूँ, रुको. तो फिर उसके बाद जय रहेगा बोला कि अगर हम हंसेंगे तो क्या ये भी हंसने लगेगा. तो फिर मुझे हुआ होता है ना कि जैसे अलार्म जब बजता है तो फिर कभी कभी ये होता है कि तुम कोई सपना देख रहे होते हो तो तुम्हारे अलार्म की रिंगटोन तुम्हारे सपने में घूमने लगती है, घुस जाती है, वही इंटीग्रेट हो जाती है. तो मैं सोचा कि अगर मैं हंसूंगा तो इसको लगेगा कि इसके इसके सपने में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हंस रहे हैं. तो मैं हंस दिया तो ये भी हंसने लगे. बहुत खराब लगा. और पूरा हंस रहा है भाई. रेखा को देखो यार बैकग्राउंड में. ये नमन मातर सो रहे हैं, हंसते में हंस दो तो ये भी हंसने लगते हैं. रेगा की अपनी फ्रेंडशिप ग्राइंड चल रही है दोस्तों के साथ. मार ले वोट तेरे पीछे हो गए. और ये रेगा को देखो यार. यहाँ पे मैं एज ऑलवेज इन लोगों को देखता रहता हूँ. रेगा को देखो यार एक बार. रेगा को देखो यार. यार मुझे कुछ सजेस्ट करो आप लोग, क्वारंटाइन में क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे बोरियत दूर हो सकती है? एक ये क्वारंटाइन था. क्या बात है? बोलते और गाइस ये बिंदी थोड़ी थोड़ी जा रही है. गुड न्यूज, सुबह के 6 बजे की कहानी देखी है. अम्बा का बुब्बा बहुत बड़ा था तभी. PUBG विद फ्रेंड्स ग्राइंड बोलते. नींद ही नहीं आ रही है भाई. क्या करा जा रहेगा? चू मैगी 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 बना रहा हूँ मैं. क्या करा जाए? क्या क्या करा जाए? रेगा चू मैगी मैगी रेगा चू. अच्छा मैगी बना रहा हूँ मैं. तुम बना रहे हो? रेगा बच्चा लग रहा है. नहीं 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 ये तुम्हें बनाना. बच्ची लग रहा है. सेक्सी बनाना. प्याज व्याज डाल के. रहेगा यार क्रेजी मामा चैट में. हाय डियर सिम्पसन व्हाट्स अप वेट बी मामा हेलो. मामा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? वन सेकेंड. लाइक हम लोग ने ड्रॉइंग के साथ देखा है. व्हाई इज दिस नॉट स्ट्रेट? लाइक व्हाट्सअप. लाइक हम लोग ने पूरा ड्रॉ करके देखा है तो व्हाट्सअप विद दिस लाइक व्हाई? सूजा हुआ तो बोलो मत. सूजा हुआ नहीं, हम लोग ने बाद में भी कंफर्म किया है. खुद बनाई थी दोस्त लॉक. Makes sense, right. Oh yeah, makes sense. ये तो हम लोग ने सोचा ही नहीं. लॉकडाउन था.
ये तो हमने सोचा ही नहीं, लॉकडाउन था। कैसे आ रहा हुई गलत। अब देखना शायद कोई तो बोलेगा कि देखो वॉचिंग कितनी जा रही है इवेंट के, हम लोग खेल रहे, तो शायद कोई बोलेगा इनमें से भी। देखो क्या बात है, ओ वाइपर गुस्से में बे। ये क्या हो रहा है, क्या किया उस वक्त वॉचिंग का है ना, 5 मिलियन के स्ट्रीम होते हुए 5 मिलियन हुए लौंडे के। ये देख लो जरा, खैर बहुत सारे लोगों ने तो ये स्ट्रीम देख ही ली होगी, लेकिन किसी को अगर ये लग रहा हो कि ये 200 रुपए का चश्मा है तो जरा टैग देखो, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा ज़ूम आउट करते हैं। क्या क्रेजी क्रेजी प्रोडक्शन लेवल है, क्रेजी क्रेजी क्वालिटी। लगता है कि ये 200 रुपए का चश्मा है, चैट की स्पीड सबको लगता है चश्मे के पीछे चश्मा है, 200 रुपए का चश्मा है। ये क्या है, सबको लगता है चश्मे के ऊपर पहना है उसने, चश्मा है, चैट की स्पीड देखो भाई साहब, बोलते भाई व्हाट बोलते, वॉचिंग देखें कितनी है, एक लाख ठीक है, 25,000, 126,000, 105 मेरा मार बस बस 126,000 105 चैट रेवेन्यू कितना, 60-70,000 दिखा उसको मेरा मार यार, मजा बहुत आता, मेरा मार इज फन, मेरा मार इज ऑलवेज फन, हम बोला इससे मेरा मार खेला करो। अब हम चलेंगे, हमारी स्ट्रीम का टाइम चल रहा है, क्या बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब, मर्सी है गोल्डी भाई, क्या बात है, वाइपर मॉर्टल और थक, ये हमारा सेक्स मामा यूज्ड टू हैव 2 चश्मा ऑन स्ट्रीम, कूल बनने के लिए सनग्लास पहनता, पहना तो बाबू को प्लेयर्स ने दिखते। अच्छा ये सब मेरे को पता ही नहीं है, मैं इसके लिए तो सोचा थोड़े पुराने वीडियोस देखे मैंने, जेन्युइनली आई हैव नेवर सीन द ओल्ड वीडियोस, आई डोंट नो व्हाट द वाइब वाज, मेरे को पता नहीं आप लोग मतलब आई गेट इट नाउ कि तुम लोग इतना ज्यादा क्यों कनेक्ट कर पाए ये लोग से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड नाउ, मतलब ये कभी मैंने देखा नहीं था ये पहले, इसके लिए मैं सोचा कि कुछ कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देख लेते हैं। चुटकी बोलते भाई रह गया ना, तो ब्लो अप हुए मां कसम, सुनो ना किसको बोले भाई, मैं इसको हमेशा ना यहाँ से, अरे भाई तुम सुनो ना, व्लॉग में बोले कि अभी डिस्कॉर्ड पे बोले, मैं तो अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लिया, सुनो ना ये व्लॉग में बोले तुम, भाई बीटा बीटा है क्या भाई, भाई ये कैसा था यार, बट कर देना, कर देना दिल से कर रहा हूँ, भाई ये पेप्सी पीता था, ये पेप्सी भाई इसको, भाई इसको नशा था, कोल्ड ड्रिंक का नशा, यूज्ड टू नॉट ड्रिंक वाटर, यूज्ड टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक भाई ऑल द टाइम, अब नहीं देखा मैंने उसको ज्यादा पेप्सी ऐसे पीते हुए, तुम एक से अभी भी पीता है क्या, नहीं अब नहीं कहा, मतलब अब खाने के साथ ही प्रेफर्स, लेकिन उस वक्त तो ऐसा था कि मतलब इसको हर वक्त चाहिए, ऐसे ही चाहिए, जैसे हम लोगों को क्रेव होता है ना कि यार गला सूख रहा है, पानी चाहिए ना, पानी नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वैसा। तो पहले ये दिस यूज्ड टू बी द फर्स्ट फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर पे स्ट्रीम करता था, और इसका जो ये हाथ उठा हुआ है जो साइड, उस वाली साइड पे रेबेल का वो हुआ करता था सेटअप, और इसके राइट में आदि का सेटअप डाला गया था, और अच्छा। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे मैं बैठता था, और मेरे पीछे माफिया बैठता था, और माफिया इतना लंबा है कि उस वो जैसे हम लोग बिल्कुल टेबल से टके होकर बैठते हैं ना, बिल्कुल अंदर घुस के, हाँ। तो हम लोग वैलो वैलो खेलते हैं, माफिया
दो कुर्सियों की जगह छोड़ के पीछे बैठ मतलब बैठता था, क्योंकि अच्छा उसको पैर फैलाने होते थे, तो उसकी वजह से जगह इतनी कम थी कि मुझे बिल्कुल टेबल के अंदर घुसना पड़ता था। तो फिर ये हुआ कि इस सेटअप पे, नीचे वाले सेटअप पे रेगा के पीछे कोई नहीं था, तो माफिया को नीचे भेज दिया गया था और रेगा मेरे पीछे आ गया था। ओ पहले भाई पप्पी अरे जा एक काम बोला भाई। हाँ चलो तब ये इस ट्रीटमेंट का हकदार भी था, सीधा राइट सीधा राइट सिंपल राइट सा था या ना। आई गेट इट आई गेट हाँ, इट। इसका सारा हरामीपन ऑफ स्ट्रीम होता था, नटखट सा था, लेकिन अब तो कतई हरामी है। अरे कहाँ चली गई पेप्सी? ओए पेप्सी कहाँ है बे? पेप्सी तो है ही नहीं यार। पेप्सी भाई उस तो टाइम पे व्लॉग यूज्ड टू बी देते हैं क्या जाता एक्चुअली रॉ व्लॉग, मतलब देख है। हाँ रहे हो मतलब इट इज ये अ रॉ ही स्टोरी है, टेलिंग कुछ भी कि है। मतलब हाँ उसने मतलब पेप्सी ढूंढने बोला और मैं पेप्सी लेने आया। अभी यार इतना वास्ट है ना, ये हाँ पॉसिबल ही नहीं है भाई ये ऐसा व्लॉग अचीव करना, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ये, और ये आई थिंक ये पीक लॉकडाउन का टाइम है ना, तो पीपल वर हाँ बेसिकली लिविंग देयर लाइव्स एंड देवर आल्सो लिविंग योर लेवल। दिस वाज बिग बॉस बेसिकली वो टाइम पे, मतलब कि हाँ 24/7 उनको पता चल रहा है तुम क्या आप कर रहे हो। हाँ फर्क था मतलब वो टाइम में। भाई जान नहीं है भाई, ठीक है ना, गलत मत समझ लेना यार। वाइपर तू होता यार तो मजा आ जाता भाई तेरे मतलब को वाइपर अमन नहीं को। अटका था क्या यहाँ वाइपर पे? वाइपर जा चुका था सबसे अच्छा पहले लॉकडाउन से निकला था अमन, उसके पापा ने गाड़ी अरेंज करी थी फ्रॉम मुंबई टू हिज प्लेस, तो बाय अच्छा रोड निकला और फिर वाइपर निकला और फिर ब्लेजी निकला। ब्लेज नाम था शायद, सोल हाँ ब्लेज। बस चुके हैं वो भाई, ये कौन दिख गया? हाँ ये देखो मैंने आप लोगों से कहा था गाइस, ये बंदा हर वक्त या तो सोता है या लैपटॉप पे रहता है, और गोदी में एक हमारे सेकंड वो, एक सेकंड वो माफिया है ना? है। माफिया वेगाचू अबे तो इधर भी वो माफिया था क्या क्या बोल जब रही है? तुमने बोला वो हमेशा सोता है? वेगाचू अपना YouTube स्टूडियो खोली हुई है, मेरे को तो अक्षु एट लगा। नाइन नाइन टू मैंने थ्री माफिया टू सब्सक्राइबर्स हाँ, ओह 1 मिलियन। ओह माय गॉड गाइस, 900 के पहले हैं, पहले तो 900 के होगा। हाँ तो 1 मिलियन पहुंचने वाला है ना, तो ना अब ऐसे तो 700 800 सब देखते हैं। एक सेकंड, तो ये बंदा 4 साल लोग पहले हैं 1 मिलियन पहुंचा है। अगर अभी तक आपने सोल रेगल्टॉस को सब्सक्राइब है? नहीं किया है रेगल्टॉस तो 4 साल हमारे पहले 1 मिलियन पहुंचा है। हाँ भाई सेठ भाई पता है मेरे और रेगा के बीच में बैटल होता था उस वक्त, कि हम लोग डैशबोर्ड अपना रिफ्रेश करते थे, वी यूज टू रिफ्रेश आवर डैशबोर्ड और देखते थे किसके ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि अच्छा मतलब मेरा ये कौन सा ब्लॉग है, ब्लॉग नंबर 9 ना, तो हाँ आई हाँ स्टार्टेड मतलब उस वक्त ब्लो अप मेरा शुरू हुआ था। तो भाई रहेगा एक 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 हर हर तो 3 4 सेकंड पे हम लोग रिफ्रेश करते थे और हम लोग का 400 500 ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ रहा था, 400 500, और बहुत मजे लेते थे। मैं रात में मतलब ये तो शायद नहीं डाला है हम लोगों ने ब्लॉग में, पर रात में मैं और माफिया बैठ के रेगा के डीएम चेक करते थे कौन कौन सिम कर रही है अच्छा आके 800 के सोल वाइपर एंड रेगा चू 1 मिलियन आवाज क्या हो गई देखो एकदम? और पटापट पेल दीजिए। क्या कर रहे हो, अफसोस में नजर आ रहे हो? नहीं क्यों? एक अफसोस तो है जो तुम थोड़ी देर पहले हमें बताए थे। रेगा ने विश दी, इसका विश क्यों 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 क्या विश नहीं किया? फाइव पिंपल पे मिलियन पॉज हो हो गया गया ना, तुम अच्छे से। फाइव अच्छा आज मिलियन मैं गुड नाइट विश करता, वैसे भी विश किया ए विश कर, फाइव फाइव मिलियन मिलियन के लिए फाइव एक मिलियन विश कर। हाँ देखो हाँ भाई ये आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, एक्यूप्रेशर यहाँ पे दबाना मॉर्टल चाहिए। बहुत ऑब्सेस था भाई रेगा से उस वक्त, दबा बहुत दबा दबा सुपर दबा। अच्छा सुपर। अब नहीं होता दिखाओ, अभी जान अब नहीं होता था। लेट नाइट फन विद, ओ भाई ये तो आउट ऑफ फोकस जा रहा है। वे थगवा, ओ माय गॉड थगवा इज सो कॉन्सेंट्रेटिंग खेल रहा है ऑन द गेम। क्या कर रहे हो तुम, ये उंगली डाल के नमन माथुर नहीं खुला थगवा, इट इज नॉट ओपनिंग ब्रो। गुस्सा में पेड़ काट रहा है, गुस्सा हो गया, गुस्सा में खुल नहीं रहा साला। मैं खोलूं, तुम कभी दिशा पाटनी और कृति सनन को मैसेज डाले हो? अब आया नहीं डाले हो तो क्या नहीं। एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हें सामने से मैसेज करेंगी?
इनको कृति सेनन बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत खुद भी तो किसी को अच्छा कहो आई एम नेक्स्ट लेवल पसंद, मतलब मॉडल को नेक्स्ट लेवल। अच्छा तो, हाँ मतलब गलत, मतलब एक होता है ना सेलिब्रिटी क्रश से भी ऊपर वाली चीज थी कृति सेनन इसके लिए, तो उसी चीज पे मैं बोल रहा था मैसेज डाले हो तो अब मॉडल तो बिग बिग न्यूज थे उस जमाने में यूट्यूब पे, डालो यार ऐसे क्या पता यार मैसेज का रिप्लाई आ जाए। बिग फैन कहा था किसको देख, बिग फैन करने का मौका मिलेगा तो मैं दिशा पाटनी को करूंगा, कृति सेनन को करूंगा, और आइडल वाइज ऐसे तो एक है रेगल टॉस नाम का। देख 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 बाप रे देख 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 मतलब ये उनमें से है ना रेगल टॉस, वर्क सो हार्ड दैट योर आइडल बिकम योर राइवल। पेट प्रमोशन बोलते सोने से पहले की मसाज चल रही है इनकी, बाय सो। अबे ये तो कपल ही लग रहे हैं, तो ये लोग सो ही जाएंगे। कितनी देर का है ये रूटीन? हाँ हाँ फुल ऑन भाई, फुल ऑन। पैसे मिले 10,000 रुपए को। अच्छा भाई मैं आके अगर रेगा को छेड़ता था ना, मैं अगर रेगा को आके छेड़ देता था ना कि मतलब मैंने इसको पीठ पे आके हल्का सा चूटी काट दिया, इसके बुंड पे चूटी काट दिया, मॉडल यूज टू चार्ज एट मी। अच्छा हाँ ऐसा मेरे को गुस्सा आता था, मैंने कहा भैंचो मतलब ये क्या बात हुई कि तू मुझे मारने खड़ा हो गया इसके लिए। मामा ये घर अब किसके पास है? ये वाला तो अब फैमिली फैमिली रहती है अब शायद। हम लोग गए थे अच्छा। देखने के लिए मैं और मॉडल कि भाई कर लेते हैं रेंट, इसका रेंट कुछ 30-40 हज़ार रुपए ही पर मंथ हुआ करता था। हाँ। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था अभी नए गेमिंग हाउस में, अभी पिछले साल की बात है, कि इसको रेंट करके रख लेते हैं अपने पास, कुछ हंस तो जाए होगा नहीं, लेकिन ये ऑक्यूपाइड है। अच्छा हो गया नीचे सो गए, हम यहाँ की लाइट ऑफ कर देता है, गुड बाइज। ये कंबल में सो रहे भाई। तो यहाँ पे सब अभी सोने जा चुके हैं, सोने के लिए लेट चुका मतलब, और आपको लग रहा होगा कि मेरा मुंह यहाँ पे इतना ऑरेंजिश सा क्यों हो रहा है, वो इसकी वजह से हो रहा है जो हमारा यहाँ पे 8-bit का लोगो है। तो अभी सब सोने जा चुके हैं और हमारा दिन यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत दर्द था मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं जब सोया था खैर दर्द अब धीरे धीरे अब का ख़त्म हो गया है, सप्रेस हो गया है, लेकिन हड्डी की बात कर रहा हूँ क्या इसकी, मैं अपने चिन की बात कर रहा हूँ क्या? हाँ यही ब्लॉक में तो मार खाए हो ना। अच्छा गेट का अच्छा तो, गेमिंग हाउस हाँ, अच्छा, रोनेस अच्छा। देख रहे हो ब्लॉक की सब यार, वो टाइम पे दिखाना भी इजी था क्योंकि घर छोटा था, लोग ज्यादा थे, तो व्हेनेवर यू वॉक्ड इनटू अ रूम विद अ कैमरा ऑन यू हैड समबडी टू टॉक टू और रिएक्ट और इंटरेक्ट विद। यहाँ पे ऐसा हो गया कि घर इतना बड़ा है और यहाँ पे लोग नहीं होते उतने यार, तो ये वाली वाइब करना, मैं इसके लिए पूछ रहा था कि ये वाला घर क्या सीन है अभी, कि ऐसा कुछ अगर हो पाता है कि यू नो वन डे सब लोग उधर वापस चले जाए और वहां से कुछ बने, बट वही अगर फैमिली है तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत मजेदार स्ट्रीम किया था तन्मय भाई लोगों के साथ, करा था। तो इसी के साथ अब इस ब्लॉग का कहानी खत्म होता है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कुछ भी करो कुछ भी कैसे भी करके लाइक और वो सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब दबाना मत भूलिएगा, किसी भी तरीके से शेयर करिएगा यार। क्रिंज लग रहा है, हटा दो क्या, क्रिंज लग रहा है मुझे ही, क्रिंज लग रहा है, खत्म होने दो भाई पूरा, बस चलते हैं। बहुत अच्छे भाई वो किचन देखा आपने, किचन जो जहाँ पे मैं जाके कोल्ड ड्रिंक खोल रहा था, देखो वहाँ का एक फोटो भेजता हूँ। अभी 800 के होने वाला है, रेगा का 900 के सुबह तक हो ही जाएगा, 1.5 लाख लाइक्स है बेस पे, अच्छी चीजें अब हो रही हैं, बाप रे अच्छा।